इंसानों के साथ साथ कोरोना वायरस के मशियत पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी करंसी की कदर में 3.30 रुपये का इजाफा हो गया। डॉलर की कीमत 165 रुपये तक जा पहुंची है। मजीद जानेंगे अब्दुल कादिर मद्दी से। अब्दुल कादिर मद्दी, बताइएगा, डॉलर की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, हाल में मंडियों में कसात बाजारी और लॉकडाउन के बावजूद जो है वो डॉलर की कीमत डाउन नहीं हो सकी, और आज भी कारोबार के आगाज के साथ डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जो है वो मार्केट में गालिब है। इंटरबैंक में डॉलर 3.30 रुपये महंगा हो चुका है और इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में 165 रुपये पर ट्रेडिंग जारी है। सुबह बैंकिंग के आगाज पर डॉलर की कीमत 161.70 रुपये थी, जो कि 3.30 रुपये बढ़ने के बाद 165 रुपये तक जो है वो पहुंच चुकी हुई है, और डॉलर एक बार उनकी बुलंद तरीन सतह की तरफ रवा है। और इस हवाले से कारोबारी और तजारती हलकों का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद जो है वो जो वजीर आजम की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई उसका असर जो है वो जायल होता नजर आ रहा है, क्योंकि डॉलर की वजह से महंगाई का एक तूफान आएगा, तमाम दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा और हुकूमत फौरी तौर पर डॉलर की कीमतों को मुस्तहकम करे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।